अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक पार्टी का गठन और उसे एक मजबूत विकल्प में पेश कर देना साधारण नहीं था जो उन्होंने कर दिखाया। राजनीति में आकर उन्होंने खुद की दुनिया बहुत तंग कर ली। दुर्घटना के बाद उनका व्हीलचेयर पर आ जाना, फिर भी बिना थके बिना रुके उनका संघर्ष आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। पावर का चस्का ऐसा कि जब वे कलेक्टर थे तो जननेता की तरह व्यवहार करते थे, जब मुख्यमंत्री बने तो कलेक्टर का तेवर दिखाया। एक जिंदगी में वे कई जिंदगियां जीना जानते थे। वे अपनी ही रची कहानी के एक ऐसे नायक थे जिसे चलना तो पता था लेकिन पड़ाव और आराम के सूत्र उन्होंने सीखे नहीं थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके लिए गए फैसलों को आत्मघाती जरूर कह सकते हैं, लेकिन इस जी विषा का नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी है। जय जोहार, मैं पूजा शर्मा, छत्तीसगढ़ तक में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की। बिलासपुर जिले के छोटे से कस्बे पिंडरा के पास जनजातियों के एक गांव जोगीसार में एक टीचर के घर में ये पैदा हुए। वह उन दिनों नंगे पैर स्कूल जाया करते थे। उनके पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें मिशन की मदद मिली थी, लेकिन इस वजह से अजीत जोगी अपनी जाति को लेकर भी विवादों में रहे। कुछ लोगों ने दावा किया कि अजीत जोगी अनुसूचित जनजाति से नहीं है। मामला अनुसूचित जनजाति आयोग से होते हुए हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन अजीत जोगी कहते रहे कि हाई कोर्ट से दो बार उनके पक्ष में फैसला मिला है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने की बात कही। यह जांच छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। अजीत जोगी जितने प्रतिभावान रहे उतने ही उनमें नेतृत्व के गुण भी रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मसूरी में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान तक सब जगह वे फर्स्ट आने वालों में शामिल रहे और राजनीति करने वालों में भी। इनके सपने बहुत बड़े थे। भोपाल से इंजीनियरिंग, आईपीएस, आईएएस बनने के बाद कलेक्टर और फिर राज्यसभा से लेकर उनके मुख्यमंत्री बनने तक का सफर काफी रोचक है। वे आईपीएस बने, आईएएस बने, राजनीति में गए और सीएम बने। भोपाल के मौलाना आजाद कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके अजीत जोगी ने आईएएस के तौर पर 1981-85 तक इंदौर के जिला कलेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दी है। फिर आईपीएस बने। 1974 से 1986 तक मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, रायपुर और इंदौर में 12 वर्षों से जोगी ने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड बनाया। अजीत जोगी पावर तो चाहते ही थे और ये मौका उनके हाथ लगा जब वे इंदौर में कलेक्टर थे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनके जो रिश्ते बने वही उन्हें राजनीति में लाने में मददगार बने। 1986 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश से एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो आदिवासी या दलित समुदाय से आता हो और जिसे राज्यसभा सांसद बनाया जा सके। उस वक्त मध्य प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह अजीत जोगी को राजीव गांधी के पास लेकर गए तो उन्होंने फौरन उन्हें पहचान लिया और यहीं से उनकी सियासी दुनिया में एंट्री हुई। अजीत जोगी का राजनीतिक सिक्का ऐसा चमका कि वह कांग्रेस से 1986 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1998 में वे रायगढ़ से लोकसभा सांसद भी चुने गए। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जब राजनीति में लॉन्च हो रही थी तब अजीत जोगी ही उनका भाषण लिखा करते थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह गांधी परिवार के कितने करीबी रहे हैं। वही जब साल 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। शपथ लेने के बाद जोगी ने कहा था, हाँ मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। जोगी 2003 तक राज्य के सीएम रहे। अजीत जोगी शरीर से नहीं दिमाग से राजनीति करते थे। शरीर थका लाचार हुआ पर उनका दिमाग चलता रहा। वे चुनौती देते रहे, जूझते रहे, अपनी शर्तों पर जीते रहे। आखिरी सांस तक वे छत्तीसगढ़ी के लोकप्रिय नेताओं में बने रहे। कोई आम इंसान भी अगर उनमें मिलने जाता तो वे उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने से भी पीछे नहीं हटते थे। ठेठ छत्तीसगढ़ी में धारा प्रवाह और आकर्षक भाषण से लोगों को बांध लेना उन्हें बखूबी आता था। यह दीवानगी आखिरी दिनों तक बनी रही। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह एक दुर्घटना का शिकार हुए जिससे उनके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रियता बरकरार रही। उनके विरोधी भी कहते थे कि जोगी व्हीलचेयर के सहारे नहीं, विल पावर के सहारे काम करते हैं। हालांकि हादसे के बाद से जोगी की तबीयत खराब होती रही और उनका राजनीतिक ग्राफ भी गिरता गया। लगातार वह पार्टी में बगावती तेवर अपनाते रहे और अंत में उन्होंने 2016 में कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से गठन किया। एक दौर था जब वो राज्य में कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन 2018 में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जंग छेड़ बसपा के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन उन्हें सियासी कामयाबी नहीं मिली और सपने के सौदागर का सपना सपना ही रह गया।
अजय जोगी किसी की मेहरबानी से नहीं बने, बल्कि उन्होंने खुद को अपनी मेहनत से बनाया और अनेक को बनाया। एक वजह यह भी रही कि खुद को सपनों का सौदागर कहने वाले अजीत जोगी को 1984 में गैंट्स इंटरनेशनल की ओर से मोस्ट आउटस्टैंडिंग मैन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। एक राजनेता से हटकर अजीत जोगी ने अपनी पहचान लेखक के तौर पर बनाई। विद द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर पेपी फेरल एरियाज जैसी किताबें भी लिख चुके हैं। उन्हें पसंद था कि उन्हें लोग लेखक, कवि और कहानीकार के रूप में जाने। उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे अपनी पूरी जीवनी लिख डाली। वे पावर चाहते थे जो साहित्य और संस्कृति की दुनिया उन्हें नहीं दे सकती थी, इसलिए जिन जिन रास्तों से उन्हें पावर मिल सकता था वह उन सब रास्तों पर चले। कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 29 मई 2020 को इस सपनों के सौदागर ने अपने सपनों की पोटली बांध दुनिया को अलविदा कह दिया। अजीत जोगी बहुतों के अनुभवों में बेहद उदार नायक हुए तो कई के लिए खलनायक, लेकिन उनकी जीवनी से हर कोई आज भी प्रभावित है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।